दोस्तों आशा सचदेव बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग के सभी कायल थे। और साथ काम करने के सपने देखा करते थे। सत्तर के दशक में आशा सचदेव काफी पॉपुलर हुआ करती थी। और उस दौर के हर पॉपुलर निर्देशक और एक्टर के साथ उन्होंने काम किया था। खुद महेश भट्ट भी उनके साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने इसकी कोशिश भी की थी लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाया। आशा सचदेव धीरे धीरे सफलता के पायदान पर चढ़ ही रही थी तभी एक बी ग्रेड फिल्म ने आशा सचदेव के करियर पर ब्रेक लगा दिया था। लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि जिन निर्देशकों और कलाकारों को वो जानती थी वो भी उनसे कन्नी काटने लगे थे। सफलता के चरम पर रहते हुए आशा सचदेव ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक। बेशक ये एक बिग्रेड फिल्म थी लेकिन जबरदस्त हिट रही। आशा सचदेव की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई। लेकिन इसी फिल्म ने आशा सचदेव के एक्टिंग करियर पर ऐसा ब्रेक लगाया कि उनकी जिंदगी ही पलट गई। प्यार की ना टूटे चाहे जितना जोर लगा ले। बी ग्रेड फिल्म में काम करने के चलते आशा सचदेव के साथ कोई भी काम करने को राजी नहीं हुआ। एक ग्रेड के निर्देशकों ने तो बिल्कुल कन्नी ही काट ली। नतीजा ये हुआ कि आशा सचदेव के हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल गई। इसके बाद न चाहते हुए भी आशा सचदेव को कम बजट वाली फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूप का नशा है, जवानी का नशा है किसी को, दौलत का नशा। लीड हीरोइन के बजाय आशा सचदेव को सपोर्टिंग हीरोइन के किरदार मिलने लगे। तो शोहरत का नशा है किसी को। किसी फिल्म में वो हीरोइन की बहन बनती तो किसी फिल्म में उनका साइड रोल ही होता। आज की रात दोनों साथ प्यार की बात चला सकते। और आखिर देखते ही देखते वो कैरेक्टर रोल तक सिमट कर रह गई। रेखा की आई एक फिल्म वो मैं नहीं में लोगों ने आशा सचदेव को काफी सराहा और उनके बोल्ड लुक की भी काफी तारीफ हुई। मेरे पीछे है दीवाने आगे आगे मस्ताने मुझे देख के दिल को हारे प्यार के मारे गई। लेकिन उसका भी कोई खास फायदा उन्हें नहीं मिला। जाने जहां रूठा ना करो। उसके कुछ सालों बाद ही आशा सचदेव ने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। आशा सचदेव को हमेशा ही इस बात का मलाल रहा कि उन्हें अच्छे किरदार निभाने को नहीं मिले। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों तक ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। न जाने किस बात के लिए आशा सचदेव को इतनी बड़ी सजा मिली कि अच्छे खासे चलते करियर पर रोक ही लग गई। तो दोस्तों आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री आशा सचदेव कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।